हेलो गाइस, वेलकम। इट्स सागर मिश्रा एंड आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और रॉकर थोड़ा पीछे का वो अवॉइड करेगा, थोड़ा बहुत गंदा पड़ा हुआ है, मतलब थोड़ा सीलन वगैरह लग गई है, तो उसे थोड़ा क्लीन करना है। जल्दी क्लीन करेंगे उसको ही। और अभी बाल कटा के आया हूँ थोड़ी देर पहले, तो उसमें बाल बहुत ही बड़े हो चुके थे, तो मैंने सोचा कटा लेते, थोड़ा इंसान बन जाते हैं। अब तक जानवर लग रहे थे, तो सोचा इंसान बन जाते, बाल कटा लिए। सब दिन नहाते और आज थोड़ा बहुत काम है, टिकट कराना है और प्रैक्टिस भी जाना है। तो पहले चलेंगे, पहला काम करेंगे नहाना, क्योंकि बॉडी पे बहुत बाल वाल जो लगे उसको क्लीन करते हैं। और आई होप ये नया हेयर स्टाइल आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। नहा के आता हूँ तो और अच्छा दिखेगा। पहले नहा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ओके, बाय बाय। तो अभी मैं थोड़ा नहा धो लिया हूँ, मतलब बकायदा थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा हूँ अब मैं। तो अभी चलते हैं, थोड़ा कुक कर लेते हैं, खाना बनाते हैं। तो दलिया बनानी है, कोई है नहीं घर में, इसलिए दलिया बनाते हैं पहले अपन चल के। दलिया बना लेता हूँ, फिर मैं आपको इस रूम में ला के फिर अच्छे से दिखाता हूँ। आई होप मैं उसकी शक्ल अच्छी बना पाऊँ दलिया की दिखाने के लिए। अगर शक्ल अच्छी बनी तो दिखाऊँगा, नहीं तो समझ जाइए नहीं अच्छी बनी है, नहीं दिखाऊँगा। हम आपके सामने पेश करते हैं अपनी बनाई हुई दलिया, जो बहुत प्यारी सी है। तो अभी हम इसको खाएंगे, खाने के बाद फिर आपसे हम मिलते हैं। देखने में तो बहुत तगड़ी लग रही है, दूसरे खाता हूँ तो कलर इसका हो जाएगा। देखने में तो बहुत तगड़ी लग रही है, खा के देखने कैसी है। खा लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ उसका रिव्यू में। अपन हो गए तैयार, ऊपर शर्ट शर्ट पहन लिए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, अंधा धूप भाई, अंधा धूप। चलते पहले अपने को स्टेशन चलना है, टिकट करानी है ग्रैंडफादर की, तो पहले टिकट कराएंगे फिर उसके बाद प्रैक्टिस चलेंगे। फिर चलते हैं बाहर, आपको दिखाता हूँ अंधा धूप वाली। अपना किट बैग लेता हूँ, उधर से प्रैक्टिस चला जाऊंगा मैं। ये रहा अपन का किट बैग, चलते हैं बाहर। नहीं गाड़ी ऐसा लग रहा है बड़े दिनों से खड़ी हुई है, देख रहे हो धूल, देख रहे हो आप, बड़े दिनों से खड़ी हुई है। इस गाड़ी को देख मुझे कल का एक इंसिडेंस याद आया, बहुत तगड़ा सा, सुनाता हूँ मैं आपको। कल का मैं इंसिडेंस बताता हूँ क्या हुआ, कि मैं ट्रैफिक लाइट था तो मैं 10-15 मीटर पहले गाड़ी थोड़ी यूजली धीमे करता हूँ, वैसे मैं गाड़ी तेज़ चलाता हूँ लेकिन 10-15 मीटर पहले धीमे करता हूँ। तो मैं सोचा कि साइड से निकाल लूँगा, जहाँ ट्रैफिक लाइट होती है उसके बगल में लोग नहीं खड़े होते, ज़्यादा भीड़ नहीं होती। तो एक बंदा मेरे आगे से वो भी तेज़ चला रहा था, बकायदा तीन लोगों को बैठा के चला रहा था, एक आगे था और दो उसके पीछे लड़कियाँ बैठी हुई थी, बड़ी तेज़ चला रहा था, वो भी मेरे साथ ही। तो वो भी साइड में ला के रोक दिया, मेरे आगे ला के ही सडनली ब्रेक मार दिया, मतलब ट्रैफिक लाइट से 10-15 मीटर पहले ही। तो वो भी मेरे सामने ब्रेक मार दिया, तेज ब्रेक मारा और मैं खूब तेज में था ही, 50 किमी मारा भड़ाक से उसके पीछे पीछे, उसके टेल लैंप पे मारा मैंने, उसके टेल लैंप मतलब मानो चूर चूर हो गया। ऊपर से जो ऊपर लड़कियां बैठी हुई थी बेचारी उछल के इधर उधर गिरी, और वो बेचारा ऐसे गाड़ी ऐसे गिरी ऐसे फ्लैट, उसी के ऊपर लेट गया, जैसे बेड होती ना उसी के ऊपर ऐसे लेट गया। देखा भाई, गुस्सा तो मुझे बहुत तेज आई थी, लेकिन मैं कहा यार छोड़ो लड़कियां, नहीं तो फिर बताता मैं। तो मैं कहा फिर उसके बाद मेरे आगे वाले टायर में छेद भी हो गया था, उस वो देखे तो मुझे बहुत गुस्सा आई। मैंने कहा यार 1700 का तो नुकसान हो गया, लेकिन अब देखते हैं कब टायर चेंज कराते हैं, अगर चल रहा होगा काम चल रहा होगा उसकी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। गुस्सा तो बहुत चाहिए थी, लेकिन उसके बाद जब पहले तो मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ क्या, मुझे समझ आना हंसी बहुत तेज आई। एक दोस्त भी था मेरे पीछे, हम लोग खूब हंस रहे थे, प्रैक्टिस टाइम भी खूब हंस रहे हैं इस चीज़ को देख के। भाई अगर गोप्रो होता ना मज़ा आ जाती दिखाने में। अभी चलते हैं ज़्यादा बातचीत ना करते हुए स्टेशन। अपन अब पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन, जहाँ अपन को करानी है टिकट बुक। रेलवे स्टेशन में धूप भी अंधा है, दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा बाहर जाके। धूप जो भयंकर है ना भाई, फट जाए किसी की भी, अंधा धूप भाई। ये रहा कुछ इस टाइप का है रेलवे स्टेशन, हमारे घर के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी अपन एंटर करते हैं अंदर, चलते हैं। जो फॉर्म वॉर्म होता वो भी नहीं फिल किया मैंने भाई, अंधा भी सोचा था फॉर्म लेने के लेकिन ले नहीं पाया फॉर्म, कोई नहीं। अभी भर के जो टाइम लगेगा देखते हैं। एंटर्ड हो चुके हैं हम लोग अंदर, तो चलते हैं काउंटर पे। फॉर्चुनेटली इधर हुआ नहीं, तो जैसे चलते हैं अब मेन जंक्शन पे बोल रहे, तो क्योंकि कुछ और डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी दिक्कत थी, बोला मेन जंक्शन पे बस जाके दिखाते हैं। चलते हैं मेन जंक्शन, नहीं कोई नहीं मेन जंक्शन पे जाके सही कराते हैं, उसके बाद देखते हैं होता है कि नहीं रिजर्वेशन।
होप फॉर द बेस्ट। अभी चलते हैं फिर प्रैक्टिस के लिए ही, और क्या भाई। छोटू छोटू, हाँ तुम्हारा डॉग है क्या ये? हाँ तुम्हारा है। अच्छा वो देखो खुजला रहा है, वो खुजला रहा है वो। हाँ यार कितना क्यूट लग रहा है बच्चा लेके जा रहा है। वो देखो भाग गया, वो देखो तुम्हें छोड़ के भाग गया, तुम्हें छोड़ के भाग गया। वो देखो जरा डाक नहीं पा रहा है, टका दो। हाँ टका दियो तो भागा जा रहा है तुमसे दूर। हाँ नॉट अ क्यूट यार। तुम्हारा छोटू भागा जा रहा है। भाई रात के 10 बजे बाहर निकल रहे हैं अपन दूध लेने के लिए, चाय की तड़प कुछ भी करा सकते, कुछ भी करा सकती बंदे को। भाई अपन के पास ये रहा दूध और मैरीगोल्ड। चाय का जब जोश हो तो इंसान 10:30 बजे कोई ना कोई दुकान ढूंढ ही लेता है, तो अपन के साथ भी यही हुआ। पर उधर से आए प्रैक्टिस करके, फिर बड़े स्टेशन चले गए थे। चाहे घर पे दम थक गए भाई, मन ही नहीं किया, थोड़ा बहुत खाया पिया मैगी वैगी, वापस से सो गया। अभी जब एक बार की चाय का ट्रिगर हो गया, चलते हैं चलो देखते हैं कोई चाय की दुकान मिल जाए तो अच्छी बात है। जस्ट अभी मेरे आँख से लग रहा होगा मैं सो के उठाऊँ, सो के उठाऊँ तो चाय बनाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं नाइट कैसे इंजॉय करते हैं। चाय की तड़प इंडियंस को कुछ भी करा सकती है। चलते हैं पहले चाय बनाते हैं फिर आपसे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और इस समय सुबह के 6:45 हो रहे हैं और बाकायदा अच्छी खासी धूप निकली हुई है, हल्का हल्का फुल्का थोड़ा बहुत मौसम ठंडा सा है, मज़ेदार सा। दिखाता हूँ आपको मैं पीछे वाले कैमरे से, पीछे वाले कैमरे से आपको दिखाता हूँ मैं। मस्त दम ठंडी हवा चल रही है, बस ऐसा ही मौसम हमेशा ही रहे, मज़ा आ जाए तब मज़े मज़े। थोड़ा बहुत ठंडा थोड़ा बहुत गर्म, इधर एक पतंग भी पड़ी हुई है तो ये पतंग भी पड़ी हुई है, इधर पड़ गई बेचारी, बड़े दिन से पड़ी हुई है। इधर का मौसम थोड़ा बहुत धूप उधर से निकल रही है, सनराइज उधर से हो रहा है। उधर बाकी ये इतनी बड़ी से हमारी छत, और उधर मनी प्लांट है कुछ अजीब सा लगा हुआ है, अच्छा सा पेड़ लग रहा है जो फैल रहा है। और उधर गार्डनिंग है उस घर में बहुत अच्छी सी, कि ये रहा इतना छत बड़ा सा और प्यारा सा। उधर से सनराइज जो हो रहा है एकदम भयंकर तगड़ा सा दिख रहा है ब्रो, एकदम तगड़ा सा। और क्या हवा चल रही है, चिड़िया छोटी मोटी चिड़िया उधर उड़ रही हैं। अरे छोटा सा ट्री इधर भी, इधर भी और इधर सामने मंदिर। इधर से एक व्यू बहुत अच्छा सा आता था बांध का, लेकिन अभी इधर घर बनने के कारण ये ब्लॉक हो गया है। कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, होप फॉर द बेस्ट। दैट द सनलाइट, इतनी ज़्यादा सनलाइट आ रही है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। सोचा था आज संडे है तो आज घूमने जाता बाहर दादा सुबह, लेकिन मन ही नहीं किया जाने का, रात भर नींद भी नहीं आई तो जाने का मन भी नहीं किया।
सोचा था संडे है, सुबह जल्दी उठ के प्रैक्टिस जाना नहीं, सोचा था उधर घूमेंगे, तो सारा नींद भी नहीं आई और मन भी नहीं किया जाने का। मैं कहा हटाओ छोड़ो, फोन चाहे तो बहुत छत पे चलते हैं, घूम लेते हैं, इधर उधर वीडियो बना लेते हैं, वही बहुत है अपने लिए। आज तो कपड़े भी धुलने हैं, आज तो आ जाएगी मौत, बुरी वाली मौत आने वाली है आज, क्योंकि तो अपने धुलने कपड़े और कपड़े अच्छे खासे, हाँ अपने को धुलने कपड़े। और भैया लाइट को क्या हो रही है? हाँ इधर अच्छे आ गया। अपने को धुलने कपड़े और कपड़े अच्छे खासे गंदे, तो आज अपनी आने वाली है मौत बुरी तरीके से। अच्छे खासे कपड़े धुलने मुझे, देखते हैं कैसे धुलते हैं कपड़े। काश एक दो हमारे सब्सक्राइबर्स आके मेरी मदद करा दें, मज़ा आ जाए। ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, लेकिन जितने हैं अगर उतने आके मदद करा देंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा अपना काम। अगर एक भी एक ही दो लोग आ जाएंगे तो वही बहुत है, अपना काम हो जाएगा उतने में ही। चले कोई नहीं, मजाक एक तरफ, चलते हैं नीचे, बहुत देर से घूम रहे इधर से उधर, चलते हैं नीचे और बनाते हैं थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट, से हो गया दलिया या ओट्स, यही सब बनाएंगे और क्या। पहले चाय बनाते हैं, चाय जिसके लिए कल से दूर से लेके आए थे हम कल रात में, चलते हैं नीचे।